हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे कि मिल्क पाउडर से आप बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई किससे और कैसे बनाएं, जो बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली हैं। और फ्रेंड्स, कमाल की बात तो यह है कि अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तो क्यों ना आप घर पर ही इन तीन इंग्रेडिएंट से ही मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर दें। यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनने वाली है। उसके लिए हमने लिया हुआ है एक गिलास दूध, एक कटोरी घी, ये मैंने हाफ कटोरी ली हुई है, तो आप इसमें 50 ग्राम घी ले लीजिएगा। मीडियम साइज़ की दो कटोरियाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर आपको अब छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी से भी मिलता है, आप उस मिल्क पाउडर से भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हो। यह बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। लेकिन जिन्हें ये आंगनबाड़ी से नहीं मिलता है, वो मार्केट से भी लाकर इस रेसिपी को बना सकता है। फ्रेंड्स, कमाल की बात तो यह है कि इन रेसिपी में आपको पता रहता है कि आप घर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और जो आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये मैंने होममेड मिल्क लिया हुआ है और ये होममेड घी है। अब सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये खाली कढ़ाई ली हुई है। अब हम अपने इंडक्शन को ऑन कर लेंगे, या फिर आपके पास गैस हो तो गैस पर भी बना सकते हैं। इसे आप हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे कर सकते हो। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी घी। घी मैं इसमें थोड़ा सा बचा लेती हूँ, क्योंकि हमें बाद में भी ज़रूरत होगी। और अब हम अपने घी को मेल्ट होने देती हूँ। अगर घर पे ही आप कुछ भी मीठा या मिठाई बनाकर खाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि बाहर की मिठाइयों में त्योहारों के टाइम में बहुत ही मिलावट आती है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स कर देते हैं, या फिर वो सामान काफ़ी दिन पहले का भी मिल सकता है। तो आप अगर घर पे ही बनाएंगे तो ये आपके लिए, आपके और आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक गिलास दूध। अब हम इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रख छोड़ देते हैं। अब हम दूध में डालेंगे अपना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना है। तो देखिए, मैंने दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हमारा मिल्क पाउडर में लम्स नहीं होते हैं, तो आप घी का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी मिठाइयाँ काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी बनेंगी। आप 200 ग्राम मिल्क पाउडर में घी 100 ग्राम यूज़ कीजिएगा, उससे आपकी मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी और काफ़ी सॉफ्ट भी बनेगी। तो देखिए, मैं जो बचा हुआ मिल्क पाउडर था वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इसमें मिल्क पाउडर बचा हुआ है वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो देखिए, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसे हिलाते रहेंगे। आपको एक बार इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको एक मिनट के लिए भी हाथ रोकना नहीं है, नहीं तो ये हमारा जो मिल्क पाउडर और दूध है वो नीचे की तरफ लग जाएगा और आपकी मिठाइयों में महक हो जाएगी। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि नीचे की तरफ अपने दूध को बिल्कुल ना लगने दें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे स्पून का इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने दूसरा चमचा ले लिया है और जो बचा हुआ घी था वो मैं अब इस कंडीशन में इसमें डाल दूँगी। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या छोटी मोटी इलायची भी डाल सकते हैं, उससे आपकी मिठाइयों में बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आपका मिल्क पाउडर, दूध और घी बिल्कुल खोए जैसा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह भून लूँगी, ताकि जो इसमें हल्का सा कच्चापन है वो ना आए। अगर आप आंगनवाड़ी का मिल्क पाउडर है, तो अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसकी भी देख सकते हैं कि उस मिल्क पाउडर से बहुत ही कई तरह की मिठाइयां बनकर तैयार हो जाती हैं। और जो मिठाई मैं अब आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ये मिठाई भी आप उस मिल्क पाउडर से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर दो तरह के आते हैं, फीका मिल्क पाउडर भी आता है और मीठा भी आता है। ये जो मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है ये मीठा है, तो इसलिए मैंने इसमें पिसी हुई चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। अगर आप ही एक बार चख के अपना मिल्क पाउडर देख लीजिएगा, अगर उसमें ज़्यादा मिठास हो तो आप इसमें चीनी बिल्कुल ना डालें, वरना आपकी मिठाइयाँ बहुत ही मीठी बन जाएंगी। अगर आपको मीडियम मीठा खाना है तो आप इसमें चीनी का उपयोग बिल्कुल ना करें, और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच बड़े
चीनी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो मिल्क पाउडर और दूध का दूध था वह एक डो में कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मिल्क पाउडर और दूध का यह डो बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जो आज मैं आपको मिठाई बनाकर दिखा रही हूँ वो चॉकलेट फ्लेवर की बनाकर दिखाऊंगी, बिल्कुल चॉकलेट जैसी मिठाई बनाकर दिखा चॉकलेटी मिठाई बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा ये डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से हाफ खोआ निकाल देंगे क्योंकि जो डबल लेयर के आती हैं चॉकलेट मिठाइयाँ मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने इसमें से एक कटोरी अपना वो निकाल लिया है, इसे हम एक साइड में रख देंगे और जो हमारी जो एक्स्ट्रा वो बचा हुआ है अब इसमें हम डालेंगे अपना चॉकलेटी पाउडर। तो देखिए मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ फ्लेम से क्योंकि अब इसमें मिलाने जा रहे हैं चॉकलेट पाउडर जिससे कि हमारी मिठाइयाँ चॉकलेट लेयर में बनकर तैयार होंगी। तो इसमें मैं 1 स्पून अपना चॉकलेट पाउडर डाल दूँगी। देखिए मैंने बड़ा 1 चम्मच भर के इसमें चॉकलेट पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो इसमें खोआ था वो बिल्कुल चॉकलेट कलर का हो चुका है। इसी से ही मैं आपको बहुत ही डबल लेयर की आपको चॉकलेटी मिठाई बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख लेती हूँ और इसी इसमें से मैंने अपना आधा खोआ निकाल लिया था, मैंने अभी आपको बताया भी था। आप इसमें सिर्फ बड़ा 1 चम्मच ही चॉकलेट पाउडर डालें, ज़्यादा चॉकलेट पाउडर की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए मैंने इस तरह की एक ट्रे ले ली है और ट्रे के नीचे लगाएंगे हम थोड़ा सा घी ताकि ये हमारी जो मिठाई है वो नीचे की तरफ चिपके नहीं। और अब ब्रश की सहायता से मैं इसे फैला दूँगी। बच्चों को ये खासकर बहुत पसंद रहती हैं, बच्चे इन्हें बड़े खुश होकर खाते हैं। तो आप घर पर ही मिठाई बनाकर अपने बच्चों को खिलाइएगा और इतनी स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होती हैं कि आपकी फैमिली के हर मेंबर को ये बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैं अब अपने सबसे पहले अपना जो अपनी नीचे चॉकलेट लेयर बनाऊंगी, तो इस लेयर को आप थोड़ा पतली कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऊपर वाइट कलर की भी लेयर बनानी है। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ चॉकलेट लेयर बना ली है। अब ये मिठाई आपको हलवाई से लाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर पे ही बड़ी ही आसानी से इस मिठाई को बना सकते हैं। और ऊपर की तरफ हम लगाएंगे वाइट कलर की लेयर। तो देखिए ये मैंने इसके ऊपर वाइट कलर का खोआ रख लिया है। तो फ्रेंड्स आप कितनी आसानी से और बड़ी ही इजीली तरीके से मिल्क पाउडर से घर पे ही मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और यह है हलवाई से जो आप मिठाई लाते हैं उससे भी काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी बनती है क्योंकि इसमें घर के ही इंग्रेडिएंट होते हैं। हम अपनी तरफ से अच्छा मिल्क डाल सकते हैं और फिर घी भी हम होममेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन त्योहारों पर क्यों ना आप घर पर ही मिठाइयाँ बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइए। हमने अपनी इसी ट्रे में अपनी बर्फियाँ जमा कर रख दी हैं, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अपनी ट्रे में बर्फी जमा दी हैं। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपनी ट्रे को फ्रिज में रख दिया था। अब आप देख सकते हो ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आप जिस शेप में इन्हें काटना चाहो उस शेप में काट सकते हो, लेकिन मैं इन्हें चकोटी ही काटूँगी, मिठाई जैसा ही सर्कल बनाऊँगी इसका। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब मैं एक मिठाई इनमें से निकाल लूँगी। शुरू में आप इसमें से निकालेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनकी चारों तरफ सपोर्ट नहीं है कुछ भी, ये थोड़ी सी हमारी मिठाई नीचे से कट चुकी है। तो देखिए आप देख सकते हैं डबल लेयर की है हमारी मिठाई कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनी हुई है। इन्हें मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी। अब एक एक करके मैं इन सभी मिठाइयों को इसमें से निकाल लूँगी। देखिए बड़ी ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल रही हैं, आप देख सकते हो। जितनी है दिखने में अच्छी दिख रही है उतनी खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी हुई हैं। एक एक करके मैं सभी मिठाइयाँ अब अपने प्लेट में निकाल लूँगी।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी मिठाइयाँ एक प्लेट में निकाल ली हैं। देखिए यह दिखने में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी दिख रही है, आप देख सकते हो, और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप मिल्क पाउडर से यह मिठाई इंजॉय कर सकते हो। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी।